हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड डूइंग गुड एंड एंजॉयिंग योर डेज। वंस अगेन आई एम हियर विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। बिफोर दिस वी हैव डन फ्यूचर परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डू future perfect tense interrogative sentence. In this we will learn formula and examples. Okay, so first we will start with formula. In future perfect tense interrogative sentence we will write the formula like this: will sell plus subject plus have plus V3 plus object plus question mark. What we will write? Will sell subject plus have plus V3 plus object plus question mark. This is for simple interrogative. If there is WH type interrogative, we will add WH words. तो उसमें हम WH word को पहले add कर लेंगे, बाकी same ही formula रहेगा। WH word plus will sell plus subject plus have plus V3 plus object plus question mark. This formula is for WH word, WH type words, and this formula is for simple interrogative. क्या है फॉर्मूला? Will sell plus subject plus have plus V3 plus object plus question mark. और WH word होगा तो WH word, जो भी WH word आया होगा उसकी हम इंग्लिश लिखेंगे, फिर will sell लगाएंगे, फिर subject लिखेंगे, फिर have लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे, फिर object, फिर question mark. Okay guys, let's see with the examples. Examples के साथ देखते हैं. Will Mohan completed his work tomorrow? Question mark. क्या लिखा हमने? Will Mohan have completed his work tomorrow? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? तो विल सेल पहले लगाएंगे, तो हमने यहां विल को यूज किया क्योंकि मोहन के साथ विल ही यूज होगा. जैसा कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, सेल का यूज आई या विल के साथ होता है. ओके, तो मोहन है तो मोहन के साथ हमने विल लगा दिया. फिर सब्जेक्ट मोहन लिख दिया, सब्जेक्ट ही लिखना था. फिर हैव लगा दिया, फिर कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लगा दिया. उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था? हिज वर्क लगा दिया. टुमारो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड. ठीक है, तो हमने क्या लिखा? विल मोहन हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टुमारो. क्या इसकी हिंदी में, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी हिंदी होगी, क्या मोहन कल अपना काम पूरा कर चुका होगा? चुका होगा. क्वेश्चन मार्क, सॉरी,
ये क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या मोहन कल अपना काम पूरा कर चुका होगा? विल मोहन हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टुमारो? ये क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला एग्जांपल्स। फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, और इसका फर्स्ट एग्जांपल लिखा हूं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेल वी हैव प्लेड हॉकी टिल इवनिंग। सेल वी हैव प्लेड हॉकी टिल इवनिंग। सबसे पहले हमने क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब सेल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया वी, फिर हैव का यूज कर दिया, फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले लगा दिया, वर्क की थर्ड फॉर्म लगा ली थी, फिर हॉकी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, टिल यूनिंग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ओके, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा, क्या हम शाम तक हॉकी खेल चुके होंगे? खेल चुके होंगे। क्या हम शाम तक हॉकी खेल चुके होंगे? क्या लिखा? Shall we have played hockey till evening? क्या हम शाम तक हॉकी खेल चुके होंगे? ओके गाइस, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल विद WH वर्ड। WH वर्ड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। वाई वाई विल नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। व्हाई विल यू हैव गॉन टू शिमला नेक्स्ट मंथ? क्या लिखा हमने? सबसे पहले WH वर्ड लगाया व्हाई, फिर विल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हैव लगा दिया, फिर गॉन लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू शिमला इन नेक्स्ट मंथ। ओके, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि तुम अगले महीने शिमला क्यों जा चुके होगे? तुम अगले महीने शिमला क्यों जा चुके होगे? ओके गाइस, तो वी आर डूइंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या है? विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड टाइप इंटरोगेटिव होगा तो सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर विल सेल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर है, फिर वी थ्री, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, आई हैव रिटन हियर थ्री एग्जांपल्स। विल मोहन हैव कंप्लीटेड हिज वर्क टुमारो?
क्या मोहन कल अपना काम पूरा कर चुका होगा? Shall we have played hockey till evening? क्या हम शाम तक हॉकी खेल चुके होंगे? नेक्स्ट लिखा Why will you have gone to Shimla next month? तुम अगले महीने शिमला क्यों जा चुके होगे? Okay guys, I hope it is clear to all of you and you have understood the topic very well. Now we are going to do interrogative negative sentence. Let's do. Okay guys, now we will see interrogative negative sentence, future perfect tense, interrogative negative sentence अब हम लोग करेंगे. Okay, so let's see कि how we can do it. Okay, first we will see the formula. तो interrogative सेंटेंस का और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सेम ही होता है, केवल इसमें नॉट लग जाता है. तो सबसे पहले इसमें विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन और डब्ल्यू एच वर्ड होगा. तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सेम एज एवर, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सेम एज एवर जो ऊपर लिखा है वही हमको फॉर्मूला कॉपी कर देना. ओके गाइस, नाउ वी विल सी विद द एग्जाम्पल्स. अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देखेंगे कैसे. फर्स्ट एग्जाम्पल विल सी हैव सॉरी विल सी नॉट हैव cooked food in the morning. Will she not have cooked food in the morning? सबसे पहले हमको विल से लगाना था तो हमने विल लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे सी है. फिर सब्जेक्ट लिखना था लिख दिया, नॉट लगाना था लगा दिया, फिर हैव लगाना था हैव को यूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर फूड लगा ऑब्जेक्ट लगाना था तो ऑब्जेक्ट इसका फूड हो गया इन द मॉर्निंग टाइम एक्सप्रेसिंग मोड. ओके, तो इसकी हिंदी क्या होगी? व्हेन वी विल ट्रांसलेट इट इन टू हिंदी, तो हिंदी इसकी होगी क्या? वह सुबह खाना नहीं पका चुकी होगी, नहीं पका चुकी होगी. हमने लिखा विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह खाना नहीं पका चुकी होगी. नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल शैल आई नॉट हैव बॉट next year. हमने लिखा shall I not have bought a new home
नेक्स्ट ईयर वेल वी विल ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, उसकी हिंदी हो जाएगी क्या मैं अगले साल, क्या मैं अगले साल एक घर नहीं खरीद चुका होगा लिखा हमने सेल आई नॉट है बॉट अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर, क्या मैं अगले साल एक घर नहीं खरीद चुका हूंगा। फर्स्ट लिखा था विल सी नॉट है फूड इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह खाना नहीं पका चुकी होगी। ओके नाउ वी विल सी डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव, वे मूवी देखने इस टाइम हम हिंदी में पहले लिख दे रहे हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके गाइस वे मूवी देखने क्यों नहीं जा चुके होंगे वे मूवी देखने क्यों नहीं जा चुके होंगे। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं इसमें WH वर्ड बीच में आया हुआ है क्यों, तो सबसे पहले हम इस WH वर्ड की ही इंग्लिश लिखेंगे Why, फिर विल लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट दे होगा, वे का दे, तो Why will they not have gone Watch movie. Why will they not have gone to watch movie? वे movie देखने क्यों नहीं जा चुके होंगे। तो सबसे पहले हमने WH word लिखा why, फिर helping verb लगाया will, फिर subject लिखा they, फिर not लगना था not लगा दिया, फिर have लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म वन लगा दिया टू वॉच मूवी, क्या करने टू वॉच मूवी, व्हाई विल दे नॉट हैव गॉन टू वॉच मूवी। ओके गाइस वी हैव डन फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला होता है विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड होगा तो WH वर्ड इसके पहले लग जाएगा, बाकी सेम है जगह जैसे ऊपर है वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल इसका हमने लिखा यू विल सी नॉट हैव कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह खाना नहीं पका चुकी होगी। फिर लिखा सेल आई नॉट हैव बॉट अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर, क्या मैं अगले साल एक घर नहीं खरीद चुका होगा। फिर लिखा दे मूवी देखने क्यों नहीं जा चुके होंगे, तो वाई विल दे नॉट हैव गॉन टू वॉच अ मूवी। ओके गाइज आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। इवन इफ एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और मैसेज मी डायरेक्टली, आई विल गिव यू प्रॉपर सोल्यूशन एंड सेटिस्फैक्शन। ओके लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज सो दैट यू कैन गेट द वीडियोज ऑन टाइम। थैंक यू।